स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट में मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है गुप्त काल स्वर्ण काल था। इससे पूर्व वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों के बारे में बताया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुप्तकालीन शासक जो थे, उन्होंने भारत को राजनीतिक एकता, अखंडता, सुरक्षा, शांति, समृद्धि और साथ ही साथ कला और साहित्य में जो प्रगति प्रदान करी, जो उनका कला और साहित्य के प्रति रुझान था, जो उनका योगदान रहा, ऐसे बहुत से कारण रहे, ऐसी बहुत सी विशेषताएं रही जिसके कारण प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को अधिकांश इतिहासकारों, जिनमें की डॉक्टर आर सी मजूमदार, डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, डॉक्टर पांथ्री, एल डी बार्नेट आदि मुख्य हैं, उन्होंने इसे स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान करी। तो चलिए आज हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि गुप्तकालीन शासकों में या गुप्तकालीन शासन में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिसके कारण हम उसे स्वर्ण युग की संज्ञा दे सकते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग और क्लासिक युग की या क्लासिक एज की संज्ञा दी है, जैसा कि डॉक्टर आर सी मजूमदार का मत है। एल डी बार्नेट महोदय लिखते हैं कि भारतीय इतिहास में गुप्त युग का वही स्थान था जो यूनानी इतिहास में पेरिक्लियन युग का और रोम में ऑगस्टस सीजर का था। कुछ अन्य इतिहासकारों ने गुप्त काल की तुलना इंग्लैंड के एलिजाबेथ के काल से की है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिन्होंने इस चीज को फलीभूत किया। तो देखते हैं सबसे पहली विशेषता कि गुप्तकालीन सम्राट जो थे वो बहुत योग्य थे। गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी के करीब हुई और लगभग इन्होंने 550 ईस्वी तक शासन। गुप्तकालीन यद्यपि सभी शासक जो थे वो काफी योग्य थे, लेकिन श्रीगुप्त से गुप्तकाल प्रारंभ हुआ और तत्पश्चात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए लिच्छवी राजवंश से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तत्पश्चात समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठे और उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विधियों के माध्यम से भारत में एक राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया और उनके लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार की नीति अपनाई कि उन्होंने उत्तर भारत के राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करा ली और दक्षिण भारत के जो राज्य थे उन्होंने उन्हें करद राज्य बनाकर छोड़ दिया। तत्पश्चात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे, उन्होंने भी अपने पिता द्वारा स्थापित साम्राज्य में और वृद्धि की। ऐसे कुछ राज्य जो कि रामगुप्त के समय में जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, उन राज्यों को पुनः अपने अधीन किया और साथ ही साथ उनके समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी वो शकों पर विजय प्राप्त करनी थी और शकों पर विजय प्राप्त करके उन्होंने शकारी की उपाधि भी धारण करी। ये लोग न केवल विजेता थे बल्कि इन्होंने राज्य में एक लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना करी और संपूर्ण जनता के हितों का ध्यान रखा, जिसके कारण जनता का भी इन्हें खूब सहयोग प्राप्त। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी शासन का उन्मूलन। कि गुप्त
साम्राज्य गुप्त सम्राट जो थे वो साम्राज्यवादी थे और साम्राज्यवाद की नीति का समर्थन करते हुए उन्होंने भारत में विदेशी शासन जो कि उत्तरी कुषाणों के रूप में और शकों के रूप में हमारे यहाँ विद्यमान थे उन्हें परास्त करके उन विदेशी जो जातियां थी उन्हें भारत से बाहर भेजने में उन्होंने सफलता प्राप्त की और इस तरह भारत की स्वतंत्रता की रक्षा और विदेशी शासन से का उन्मूलन करके यहाँ पर राजनीतिक एकता और अखंडता को स्थापित किया। राजनीतिक एकता की स्थापना यदि हम मौर्य साम्राज्य के समय से देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने भी भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना का प्रयास किया था और उसमें वे सफल भी हुए थे, किंतु अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी और उनके पश्चात एक लंबे समय तक भारत में राजनीतिक एकता का अभाव हो गया, जो कि जब गुप्त शासन शासक गद्दी पर बैठे तो उन्होंने पुनः भारत में राजनीतिक एकता की विदेशियों को यहाँ से भगाकर और एक सबल राष्ट्र की स्थापना करके राजनीतिक एकता की स्थापना की। बाह्य आक्रमणों से अपने साम्राज्य को सुरक्षित बनाया और एक प्रभावशाली राज्य के रूप में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया। नेक्स्ट, कुशल प्रशासक। ये लोग एक विजेता होने के साथ साथ कुशल प्रशासक थे, सहृदय थे, दयालु थे, जनता की आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे, उनके साथ उनका जो व्यवहार था वो जैसे पिता अपने पुत्र के साथ करता था उसी प्रकार वे अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करते थे। साथ ही साथ कोई दुखी होता था, कोई व्यसनी होता था तो उन्हें या किसी प्रकार से उन्हें राजकीय किसी को राजकीय कष्ट होता था उन कष्टों से उन्हें मुक्त करने का प्रयास करते थे। जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें गुप्त शासकों के कुशल प्रशासन का आभास मिलता है। साथ ही साथ फालियान जो थे उन्होंने भी ये जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आए उन्होंने ये बताया है कि फालियान के समय में लोग सुखी थे और न्यायालय के बंधनों से मुक्त थे, साथ ही साथ उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो इन लोगों का जो सहृदयतापूर्ण शासन था या जो इनका व्यवहार था वो लोगों को एक स्वेच्छाचारी लेकिन स्वेच्छाचारी की जनता संतुष्ट थी, प्रजा संतुष्ट थी और वो भी राज्य के कल्याण के कार्यों में लगी हुई थी। साथ ही साथ उनके कुशल प्रशासन के कारण ही गुप्त साम्राज्य जो था उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान करता है कि ये जो शासक थे इन्होंने नैतिकता की ओर पूर्ण ध्यान दिया। ये लोग सदाचारी, श्रेष्ठ, सत्यवादी, मिथ्या से दूर और ईमानदार थे। फाहियान भी लिखता है कि उस समय के जो जनता थी जनता भी मदिरा और व्यसनों से दूर रहती थी और प्याज लहसुन वगैरह का वो लोग साधारणतः उपयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट, आर्थिक समृद्धि। जैसे कि हमने बताया कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उन्होंने अपनी विजयों के द्वारा एक विशाल साम्राज्य के निर्माण किया और साथ ही साथ उन्होंने जिस साम्राज्य का निर्माण किया क्योंकि वहां पर सुख और शांति थी, जहां सुख और शांति होती है उस राज्य में क्या होता है आर्थिक उन्नति उसकी निरंतर चलती रहती है और आर्थिक उन्नति के परिणाम स्वरूप ही गुप्त साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य का भी विकास हुआ। साथ ही साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में हम देखते हैं
कि भड़ोज और ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह थे उनके साथ व्यापार काफी बढ़ गया था, जिसके कारण विदेशी धन जो है वो भारत में आने लगा था और भारत की मुद्रा व्यवस्था को भी उसने काफी अधिक प्रभावित किया था। अब हमने इन पॉइंट्स को देखा, लेकिन यदि हम ये कहें कि गुप्तकालीन जो प्रशासक थे उनका साहित्य और कला दोनों के प्रति ही बहुत अधिक रुझान था, और वास्तव में यदि देखा जाए तो गुप्तकालीन साहित्य, कला और विज्ञान में इन शासकों के समय में जो प्रगति हुई उन्होंने इसे पूर्ण रूप से स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान कर दी। जैसे कि समुद्रगुप्त के विषय में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो हरिषेण की प्रयाग प्रशस्ति है। तो ये लोग स्वयं भी विद्वान थे, लेखक थे, कवि थे और विद्वानों को आश्रय प्रदान करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि साम्राज्य में शांति थी, लोग स्वच्छंद रूप से अपने विचार अभिव्यक्ति कर सकते थे, तो ऐसे समय में बहुत से लेखकों ने अपने विचार रखे, जिसमें कि हरिषेण की प्रयाग प्रशस्ति, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, इसके अतिरिक्त वसुबंधु, वरामिहिर, भास, धारवी, शूद्रक, दंडिन आदि इन बहुत सारे कवियों ने और लेखकों ने अपनी रचनाओं के द्वारा गुप्त साहित्य को समृद्ध किया। और लेकिन इन सब इसके अलावा कुछ अन्य लेखक भी हुए जिन्होंने की, जिनमें दिनाथ वगैरह का नाम है, जिन्होंने की हिंदू साहित्य के साथ साथ जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के विषय में भी लिखा। लेकिन इन साहित्यकारों में सबसे बड़ा नाम जो है वो कालिदास का आता है, और ये माना जाता है कि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार को सुशोभित करते थे। उनके विषय में हम सभी जानते हैं कि काव्य, नाटक और गद्य के रूप में उन्होंने जो रचनाएं लिखी उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, ये इतना सारा साहित्य उन्होंने लिखा कि जिन्होंने की साहित्य को एक बहुत उन्नत आकाश की ऊंचाइयों में पहुंचा दिया। इतिहासकारों का ये मानना है, वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि कालिदास जो थे वो साहित्यिक आकाश का सबसे जगमगाता हुआ चमकदार नक्षत्र थे। तो साहित्य की उन्नति के पश्चात अब हम कला के क्षेत्र में, कि चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे वो चित्रकला हो, वास्तुकला हो, हर एक क्षेत्र में, चित्रों के क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो चित्र बनाए गए, चाहे वो भित्ति चित्र बनाए गए, चाहे वो मूर्ति कला बनाई गई, उनमें इतनी स्पष्टता है और साथ ही साथ भावों का इतना सुंदर सामंजस्य दिखाई देता है कि वो जो मूर्तियां हैं, वो जो चित्र हैं, एकदम ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे अभी बिल्कुल जीवंत रूप में हम उन्हें देख रहे हैं। साथ ही उनमें जो रंगों का, चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है, और जो चित्रकला में हम देखते हैं कि जो गुफा चित्र शैली जो कि अजंता और ग्वालियर की बाघ की गुफाओं में देखने को हमें मिलती है, तो इनके माध्यम से जो गुप्त साम्राज्य था वो बहुत ही अधिक समृद्ध हुआ। और साथ ही साथ इस कला की विशेषता ये थी कि इसमें पूर्ण रूप से भारतीयता के चिन्ह, विदेशी तत्व जो हैं उन्हें भी उन्होंने मूर्तिकारों ने और चित्रकारों ने, वास्तुकला विदों ने इस तरह से अपने में समाहित कर लिया था कि वो जो चीजें थी वो पूर्णतः भारतीय हो गई। मेहरवली का लौह स्तंभ और महात्मा बुद्ध की कांस्य प्रतिमा जो है
वो इस समय के जो कला का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ गुप्तकालीन जो शासक थे उनके समय में मंदिर निर्माण कला का भी बहुत अधिक विकास हुआ और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हमें बहुत से मंदिर देखने को मिलते हैं जो कि अपने गर्भगृह और उनमें जो जिन चबूतरों पर उन्हें स्थापित किया गया है वहां पर जो मूर्तियां स्थापित की गई हैं उनकी वजह से उनकी विशेष पहचान है। इन मंदिरों में विशेष स्थान है तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो कला जो थी वो उसने अपने अलौकिक रूप को प्राप्त कर लिया और अजंता की गुफाओं में जो हमें चित्र देखने को मिलते हैं उन गुफाओं को देखकर उसमें एक मरणासन राजकुमारी का या जिस समय महात्मा बुद्ध गृह परित्याग करके जा रहे थे उस समय के जो चित्र हैं वो बिल्कुल ऐसे सजीव और जीवंत प्रतीत होते हैं। अब साहित्य और कला की उन्नति के पश्चात हम देखते हैं कि इस समय में विज्ञान की भी अनंत उन्नति हुई। उस काल में आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक पैदा हुए जिन्होंने कि एक तो दशमलव का सिद्धांत दिया जैसे कि आप सभी जानते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब उसी समय ग्रहण होता है। इसके अतिरिक्त वराहमिहिर जो थे उन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में नक्षत्र विद्या के क्षेत्र में बहुत नए नए प्रयोग किए और उन्होंने अपने ग्रंथों में बताया कि ये सारी चीजें मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। वाग्भट और धन्वंतरी जैसे जो आयुर्वेदिक आयुर्वेदाचार्य थे और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तथा अन्य गुप्त सम्राटों के दरबार को सुशोभित कर रहे थे। तो विज्ञान कला और उस समय में हम देखते हैं कि पशुओं की चिकित्सा के विषय में भी कई ग्रंथ लिखे गए और शल्य चिकित्सा के विषय में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें उस समय में देखने को मिलती है। तो साहित्य कला और विज्ञान तथा चिकित्सा के क्षेत्र में वस्तुतः ये युग जो था उसे स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान करने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हालांकि जितनी भी मैंने विशेषताएं बताई हैं वो सभी इस प्रकार की विशेषताएं हैं कि उन्होंने इस साम्राज्य को सुदृढ़ करने में इस साम्राज्य को समृद्ध करने में गुप्त साम्राज्य की के कारण भारतीय राजनीतिक एकता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब कुछ अन्य पॉइंट्स हैं जैसे बृहत्तर भारत की स्थापना कि जो बृहत्तर भारत की स्थापना की गुप्त युग में क्योंकि यहाँ के जो शासक थे वो अन्य देशों के संपर्क में भी आए जिनमें बाली सुमात्रा मलाया चंपा कंबोडिया जावा इनके जब यहाँ पर ये लोग पहुंचे और उन्होंने वहां पर उपनिवेश स्थापित करके बृहत्तर भारत की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और धार्मिक सहिष्णुता। जितने भी गुप्त सम्राट थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे और हिंदू धर्म में उन्होंने वैष्णव धर्म को प्रमुखता दी लेकिन वैष्णव धर्म के को प्रमुखता देने के साथ साथ उन्होंने शैव धर्म और जो बौद्ध
तथा जैन धर्म के जो लोग थे या जो उनके अनुयायी थे उनके प्रति भी उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही उदार था। धार्मिक रूप से ये शासक जो थे वो पूर्ण रूप से धर्म सहिष्णु थे, और इसीलिए हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त का एक मंत्री जो सेनापति थे आम्रकाद्रव वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और शिखर स्वामी और वीर सेन जो थे वो शैव थे। अतः गुप्त सम्राटों की धार्मिक सहिष्णुता स्वतः ही इससे प्रमाणित हो जाती है। एक लंबे समय से हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के समय में जब अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया, उसके पश्चात कुछ हिंदू शासक आए जिनमें शुंग वंश का नाम, सातवाहन वंश का नाम हम ले सकते हैं, लेकिन उनका क्योंकि शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा तो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान यदि हम कहें कि इस समय गुप्त शासकों के इस लंबे शासनकाल में हिंदू धर्म को पुनः प्रमुखता दी गई, और साथ ही साथ इस समय पुराणों और स्मृतियों की भी रचना की गई, और हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य जो जब हम साहित्य की बात कर रहे थे उसमें भी हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा को उन्होंने एक तरह से राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया। संस्कृत भाषा में बहुत साहित्य लिखा गया और वैदिक कर्म कांडो, अश्वमेध यज्ञ, जितने भी हिंदू धर्म से संबंधित रीति रिवाज और प्रतिष्ठान वगैरह थे उन्हें स्थापित करने में गुप्त सम्राटों ने अपनी महती भूमिका अदा की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्यों के पश्चात गुप्तों का जो युग था वो भारतीय राष्ट्र के इतिहास में नव जागरण, नव निर्माण और नवोत्कर्ष का द्वितीय महान सृजनात्मक काल था, और इसीलिए हम गुप्त साम्राज्य को यदि स्वर्ण युग की संज्ञा दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं।